हथियारों से लैस 11 लोग घर में घुस आए और 15 साल की राम मूर्ति को घसीट ले गए। यही नहीं, हमलावरों ने गड़ासे से राम मूर्ति के गले पर वार कर दिया, जिसमें घायल राम मूर्ति के इलाज के दौरान मौत हो गई। लबोलू आप यही मजनूम है यूपी के सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय थाना इलाके हुए राम मूर्ति यादव हत्याकांड के FIR की। FIR के अनुसार मृतक के घर वालों को हत्यारों की पूरी जानकारी है, लेकिन हत्या की वजह का जिक्र तक नहीं है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या राम मूर्ति के घर वालों को वाकई हत्या की वजह पता नहीं है, या फिर मामला ही कुछ और है? फिलहाल पुलिस ने 11 अभियुक्तों में 4 की गिरफ्तारी करके वाहवाही बटोरने की कोशिश की है, मगर सवाल ऐसे हैं कि कटघरे में पुलिस ही है। दरअसल बल्दी राय थाना इलाके के चक शिवपुर गांव में 27 जुलाई की शाम राम मूर्ति यादव की हत्या हो गई थी, जिसमें पुलिस का कहना है कि हत्या की तह में दोनों गुंटों के बीच बच्चों का मामूली विवाद है। राम चक शिवपुर थाना बल्दी राय में कल दिनांक 27/7/2020 को राम मूर्त उर्फ बब्बू 16 वर्षीय बालक के साथ गांव के 8-10 लोगों ने मारपीट किया था, जिसको यहां से पुलिस व उनके परिवार वालों के सहयोग से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कोई पुरानी रंजिश है या ऐसा कुछ? इन लोगों में पूर्व विवाद था, इसी परिवार से दूसरे लोगों में से विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर के ये बात आ रही है कि इन दोनों में मारपीट हुई है। विवाद का कारण पूर्व में भी गाली गलौच हुआ था, अभी विवाद का कारण पूरा जब स्पष्ट हो जाता है तो मैं इसको दिखा लेता हूँ। वहीं राम मूर्ति की हत्या के आरोपियों के घर की महिलाओं का आरोप है कि असल वजह छेड़खानी है। मरने वाला राम मूर्ति उनके घर की बेटी का पीछा करता था। 27 जून को थाने पर शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। क्या नाम है आपका? नीलम। कहाँ रहने वाली हो? पंडितपुरा। कहाँ आई हो? जल्दी रहे। क्या करने? रोज बुलावा। कौन बुलाता है? दरोगा। किस लिए बुलाते हैं? लाते हैं जमा करने के लिए, जमा नहीं करते। रोज बुलाते हैं, रोज सवेरे शाम तक का बैठाया रहा, संजक बैठाई दी। क्या मामला है? कौन? कहाँ का है? मृतक राम मूर्ति के घर वाले बता रहे हैं कि बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, पता नहीं कैसे ये बात हत्या तक पहुंच गई। हमारा टाइल नहीं, महज जायज संयोग रहा, बस यही सब है। कहानी बन गई और हमारे तो कोई विवाद था पहले भी कोई? उनके कौन विवाद, न खेती न बाड़ी। यह युग में यही है, हम बड़ी तू बड़ी, जितने बदला उतने मैंने डरा। कल मारपीट कैसे शुरू हुई? मारपीट बताओ तो गेट के दावा रहे अफसर के ही मौका देखें क्यों ना आना, मारपीट कर ली। यह मारपीट करेगा ये युग में क्यों? क्यों कुछ जानना था, दबा था। मारपीट अगर यहाँ घर पे हुई कि बाहर हुई? अरे वाह, मौका पोहित मार दी हथियार से। कहे किसे से मारे? मार दे यहाँ पता नहीं, फरसा से जरा सा आधा को तो ये कट गया, निकाल के मारे। ठीक। बहरहाल पूरे मामले को देखने और सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि चक शिवपुर में आग पहले से लग गई थी। पुलिस को जानकारी भी थी, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे विवाद खूनी संग्राम तक पहुंच गया। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर NTTV भारत का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो, लाइक और शेयर भी करें। उसे रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।